नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ए बी टेक में और मैं हूँ ब्रजेंद्र। दोस्तों आज है 23 अप्रैल और 23 अप्रैल की प्रमुख खबरें क्या हैं वो जान लेते हैं, जो आप लोगों की बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। दोस्तों जो सबसे पहली न्यूज निकल के आ रही है वो यूपी बोर्ड 2019 रिजल्ट को लेकर के है। यूपी बोर्ड का सारा रिजल्ट बन के तैयार हो चुका है सभी जोनों का, सिर्फ इलाहाबाद का एक दिन पहले बाकी था, वो भी अब बन कर के तैयार हुआ है। अब जो रिजल्ट डिक्लेयर करने में अड़चन आ रही है वो शासन की अनुमति की दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम बनकर तैयार हो गया है। शासन से अनुमति नहीं मिलने के कारण तय नहीं हो पा रहा कि इसे किस दिन घोषित किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार सचिव नीना श्रीवास्तव और सभी 5 क्षेत्रीय कार्यालयों के अपर सचिवों ने दिल्ली में डटकर परिणाम तैयार कर दिया है। जिस दिन तारीख तय होगी उसके कम से कम चौथे दिन रिजल्ट जारी किया जा सकेगा। यदि मंगलवार को यानी आज रिजल्ट की डेट घोषित होती है तो 26 अप्रैल तक यहाँ पे रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। मतलब कम से कम 4 दिन का समय लगेगा बोर्ड को अपनी और तैयारी करने में, रिजल्ट घोषित करने में। अब देखना ये होगा शासन से, शायद इसको आज हरी झंडी मिलने की उम्मीद है, ठीक है। अब जो तो वहीं पर दूसरी न्यूज हम बता देते हैं आपको, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के एक अपडेट आ रही है। ये शासन की तरफ से बयान आया था कि 23 और 24, ठीक है, 24 अप्रैल तक शासन डबल बेंच में जा सकती है। कट ऑफ 40-45 के खिलाफ सरकार पूरी तैयारी कर रही है, अपनी अपनी जो भी कमज़ोर बिंदु हैं वो सब खोजे जा रहे हैं, अच्छे वकील हायर किए जा रहे हैं और 24 अप्रैल तक यहाँ पर सरकार डबल बेंच जा सकती है, ठीक है। वहीं पर कुछ ऐसे बीएड बीटीसी भी ग्रुप हैं जो डबल बेंच में जाने की तैयारी कर रहे हैं, कई दिनों से उनकी मीटिंग भी चल रही है तो वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि क्या इसमें आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बीएड बीटी की तरफ से ये सिफारिश की जा रही है, गुजारिश की जा रही है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग याची बने उनका ही बेनिफिट यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आपको बता दें, अभी आप लोग रुक जाइए थोड़ा सा, शासन का देख लीजिए, शासन क्या सोच रही है, शासन क्या कर रही है, डबल बेंच में जा रही है नहीं जा रही है, उसी के अनुरूप आप कोई भी ग्रुप में याची बने, क्योंकि याचियों से ज़्यादा तैयारी जो है वो शासन अपने स्तर से करके जाएगी। अगर शासन की तरफ से मामला डबल बेंच में जाता है तो वहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है आपको और वो सबको बेनिफिट मिलेगा। इसलिए याची बनने से पहले थोड़ा सा रुक जाएं, अगर शासन डबल बेंच नहीं जाती है या कुछ दूसरा डिसीजन लेते हैं उसी के अनुरूप अच्छे से सोच विचार करके आप लोग याची बने। बहुत से ग्रुप तो केवल चंदा इकट्ठा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो बिल्कुल इसकी जाँच पड़ताल कर लें, जेन्युइन हो तभी आप इसमें याची बने। वहीं पर दोस्तों दूसरी न्यूज, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पर, सॉरी, टीजीटी बायोलॉजी 2016 को लेकर के, आप लोग जानते हैं टीजीटी 2016 बायोलॉजी का एग्ज़ाम 8 और 9 मार्च को नहीं कराया गया था। लगभग 70,000 अभ्यर्थी परेशान हैं, चिंतित हैं कि अब टीजीटी बायोलॉजी का क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, इसका एग्ज़ाम टीजीटी बायोलॉजी का अब 100% होगा, अब इसे कोई नहीं रोक पाएगा। आप लोग टीजीटी बायोलॉजी की तैयारी करते रहिए, अगर दूसरे किसी क्षेत्र में आप लोग चले गए हैं तो ये एक अच्छा चांस है आपके लिए। बाकी जगह की यहाँ पे जो कंपटीशन होता है थोड़ा सा कम होता है, तो यहाँ पर आप लोग टीजीटी बायोलॉजी की तैयारी में जुड़ जाइए। शासन ने इसको लेकर संकेत दे दिए हैं कि टीजीटी बायोलॉजी का एग्ज़ाम होगा, सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर का इंतज़ार है। तो जब शासन की तरफ से लिखित ऑर्डर आ जाएगा तो शासन भी कोर्ट में पेश कर देगा कि हम एग्ज़ाम कराने के लिए तैयार हैं। दोस्तों अब जो टीजीटी बायोलॉजी का कोर्ट केस लगा है वो 2 मई को लगा है, अब देखना ये होता है कितनी जल्दी कोर्ट से मामला सॉर्ट आउट होता है। वैसे जल्दी ही हो जाएगा क्योंकि जब शासन तैयार है तो कोर्ट भी कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। तो दोस्तों वहीं पर अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज है अब ये हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के, जैसा कि मैंने कल के सुबह के वीडियो में बताया था आपको कि कल यहाँ पे डिक्लेयर होना था कि आयोग को क्या होगा, यहाँ पर पेपर रद्द होगा या आंसर की जारी होगी। एक तरफ यहाँ पर अभ्यर्थियों का सवाल था, वहीं दूसरी तरफ बोर्ड की साख का सवाल था। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर आउट में आयोग को मिली क्लीन चिट,
उच्चतर शिक्षा सेवा की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का मामला था पूरा ये। उच्चतर शिक्षा सेवा की ओर से जो परीक्षा हुई थी 12 जनवरी को, ठीक है, उसके तहत ये क्लीन चिट बोर्ड को मिल गई है। अब बोर्ड ने इसको लेकर के कोई दिक्कत नहीं है और बोर्ड ने आंसर की भी जारी कर दी है। यहाँ पर 11 और विषयों की विज्ञापन संख्या 47 के तहत 11 विषयों की संशोधित आंसर की जारी की गई है। संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको आंसर की मिल जाएगी। आप लोग इसको जा कर के चेक कर लीजिए और अपना मिला लीजिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। वहीं पर दोस्तों जो अगली नोज है वो बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर के, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 5 से 15 मई के बीच घोषित होगा परिणाम। रोहिलखंड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम 5 से 15 मई के बीच घोषित किया जाएगा। विश्वविद्यालय में भारांक की गणना शुरू हो चुकी है। कुलपति प्रोफेसर अनिल शुक्ल का दावा है सारी प्रक्रियाएं तेजी से चल रही हैं, रिजल्ट समय पर घोषित कर दिया जाएगा। इस बार बीएड की राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा की जिम्मेदारी रोहिलखंड विश्वविद्यालय को दी गई है। 15 अप्रैल को इसकी परीक्षा हुई थी और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इस बार यहाँ पर बैठे हैं एग्जाम में, तो यहाँ पर पूरी संभावना है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सीटें भर जाएंगी। सीटों के लिए अभी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या लगभग 5.5 लाख के आसपास है। 5 से 15 मई के बीच आपका यहाँ पर रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। वहीं पर दोस्तों अगली न्यूज SSC MTS भर्ती को लेकर के, यहाँ पर आप देख सकते हैं SSC MTS के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। 10वीं पास अभ्यर्थी 29 मई तक कर सकेंगे ऑनलाइन। दोस्तों इसका डिटेल वीडियो मैंने बना दिया और डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। सारी चीज़ें मैंने अच्छे से समझा दी हैं, पूरा नोटिफिकेशन मैंने बताया है किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, क्या इसका सिलेबस होगा, क्या एज लिमिट है, क्या शैक्षिक योग्यता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। तो अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो जा करके आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ छपी है कि यहाँ पर महिलाओं में शुल्क छूट दी गई है। 22 अप्रैल यानी कल से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर पदों की संख्या देख सकते हैं, तो चपरासी के पद हैं, सफाई वाला के पद हैं, जमादार के पद हैं, जूनियर गेट टनर के पद हैं, ऑपरेटर के पद हैं, चौकीदार के पद हैं, कई सारे इसमें केंद्र सरकार के जो विभाग होते हैं उसमें पद हैं। यहाँ पे कुछ पदों के लिए एज 18 से 25 साल है, कुछ पदों के लिए यहाँ पे 18 से 27 साल है। तो आप इससे नोटिफिकेशन देखें तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। और इसकी दोस्तों जो एग्ज़ाम डेट है वो यहाँ पे शायद दी गई है कि जो दूसरे चरण की एग्ज़ाम डेट है वो 17 नवंबर है और पहले चरण की एग्ज़ाम डेट है वो 2 अगस्त से 6 सितंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो 2 चरणों में आपकी परीक्षा होगी, उसके बाद दूसरा चरण जो होगा वह केवल क्वालिफाइंग होगा। पहला चरण जो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसी के अनुसार आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। दोस्तों ये पूरी न्यूज है। अब दोस्तों अगली न्यूज यहाँ पर है प्रसिद्धि विद्यालयों से रिलेटेड। आपको पता होगा कि प्रसिद्धि विद्यालय प्राइमरी जो एक ही कैंपस में चलते हैं उनको विलय कर दिया गया है जूनियर विद्यालयों में। तो वही पूरी न्यूज है यहाँ पर कि एक ही परिसर से संचालित प्राथमिक स्कूलों का उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विलय कर दिया गया है। शासन की इस प्रक्रिया से जिले के उन 24 प्राथमिक विद्यालयों का भी विलय हो गया जो विभाग के विशेष विद्यालय रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा भी इन विद्यालयों से दी जाती रही है। तो उत्कृष्ट कार्य के चलते आदर्श विद्यालयों में शुमार थे। छात्र संख्या कमजोर होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय से संबद्ध शिक्षक शिक्षिकाएं खासे परेशान हैं। तो जिन प्राथमिक विद्यालयों का यहाँ पर विलय किया गया जूनियर में वो शिक्षक प्राथमिक के काफ़ी परेशान हैं कि अब उनका क्या होगा। बहुत से ऐसे भी शिक्षक थे जो अदर स्कूलों से चयनित होकर के अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में आए थे, उनको भी विलय कर देने से उनके भी नौकरी का खतरा उनके लिए मंडरा रहा है। वहीं पर BSA का कहना है कि विलय के आदेश को धरातल पर क्रियान्वित किया गया, इसके साथ ही अन्य कोई बदलाव के आदेश नहीं दिए गए हैं। इसका मतलब ये कि सिर्फ विद्यालयों को विलय किया गया, वहाँ पर जो शिक्षक कार्यरत पहले से उनको यहाँ पर भी कोई बदलाव के आदेश नहीं दिए गए, यथा स्थिति बनाए रखते हुए पठन पाठन के आदेश दिए गए हैं, ठीक है। तो ये पूरी न्यूज है। बहुत से शिक्षक शिक्षिकाएँ इसको लेकर कोर्ट भी चले गए हैं, ठीक है।
वहीं पर दोस्तों अगली न्यूज है, ये आप देख सकते हैं, शिक्षक कर्मचारियों को जीवन बीमा लाभ देने से भारतीय जीवन बीमा निगम ने इनकार कर शिक्षा विभाग ने उठाया सवाल। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर चाहे प्राथमिक टीचर हो, चाहे जूनियर टीचर हो, चाहे TGT टीचर हो, चाहे PGT टीचर हो, सबकी जब सैलरी मिलती है, सैलरी में जीवन बीमा के रूप में वहाँ पे कुछ पैसे काटे जाते हैं, लेकिन जब ये पैसे काटे जाते हैं उनका लाभ भी मिलना चाहिए। तो यहीं पर एक मामला आया हुआ है कि एक यहाँ पर गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज कोराओं के संबद्ध प्राइमरी विभाग में अध्यापक थे मृत्युंजय प्रताप, उनकी यहाँ पर डेथ हो गई, उसके बाद सामूहिक जीवन बीमा का क्लेम लिया गया। तो यहाँ पे LIC ने साफ बोल दिया गया कि अप्रैल 2014 के बाद यहाँ पर जो भी टीचर नियुक्त है उनको इस जीवन बीमा का लाभ नहीं दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, प्राइमरी का हो, जूनियर का हो, इंटर कॉलेज का कोई भी टीचर हो। तो यहाँ पर दोस्तों अगर पेमेंट कट रही है आपके सैलरी से तो इसका लाभ भी दिया जाना चाहिए था, नहीं तो फिर पेमेंट कटने का मतलब क्या है। तो वही दोस्तों पूरी न्यूज यहाँ पे छपी है, जितने भी यहाँ पे हैं आप देख सकते हैं, शिक्षक विद्यालय ने ये यहाँ विधायक ने यहाँ पर ये अपना जवाब दिया हुआ है, DIOS ने ये जवाब दिया हुआ है, इसके अलावा जो LIC के शाखा प्रबंधक है उन्होंने अपना ये यहाँ पर कमेंट किया हुआ है। तो सबके अलग अलग मत हैं, अब इस पर जल्दी सहमति बनेगी, पूरी एक वार्ता होगी शिक्षक संघ को लेकर के, LIC को लेकर के, DIOS के मध्यस्थ में, और यहाँ पे देखते हैं क्या हल निकलता है। ठीक है दोस्तों, वहीं पर अगली न्यूज है TikTok को लेकर के, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आपको पता होगा TikTok भारी अश्लीलता के चलते यहाँ पर बैन कर दिया गया है, प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका के आधार पर यहाँ पर हाई कोर्ट से जवाब मांगा है कि 24 अप्रैल तक हाई कोर्ट अपना फैसला दे, मद्रास हाई कोर्ट फैसला दे, नहीं तो ये मान लिया जाएगा TikTok पर बैन नहीं लगा है और TikTok को फिर से लाइव कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरी न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट को TikTok ऐप पर प्रतिबंध हटाने के लिए दायर याचिका पर 24 अप्रैल तक फैसला करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को कहा कि अगर हाई कोर्ट इस तारीख तक याचिका पर फैसला नहीं लेता है तो उसका ऐप पर प्रतिबंध लगाने का आदेश निरस्त माना जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि 3 अप्रैल को मद्रास हाई कोर्ट ने सरकार को यहाँ पे नोटिस जारी करते हुए कहा था कि TikTok पर प्रतिबंध लगाए। ठीक है, तो इसको लेकर के सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, प्ले स्टोर से ऐप हटा दिया गया। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दबाव दिया कि 24 अप्रैल यानी कल तक, आज 23 है, कल 24 है, कल तक मद्रास हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाए, नहीं तो ये माना जाएगा कि उसका जो निरस्त करने का प्रतिबंध था वो हटा दिया गया है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों अगली न्यूज यहाँ पे दे सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के जिन जिन विषयों की आंसर की जारी की गई है उसका यहाँ पे पूरा अपडेट दिया गया, पूरे विषय यहाँ पे दिए गए हैं। तो दोस्तों ये आज की वीडियो की प्रमुख अपडेट थी, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए, और अगर इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल निशान जरूर दबा लें। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।